नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ममता बनर्जी ने आज जो पश्चिम बंगाल में कराया है, उनको कहा जा रहा है कि निर्ममता निर्मोही, और निर्मोही ममता की तानाशाही का पराकाष्ठा क्या है। आपको बता दें कि तानाशाही की पराकाष्ठा ममता बनर्जी की ये है कि उन्होंने वाटर कैनन से यहाँ प्रदर्शनकारियों को, प्रदर्शनकारी कौन है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में जो रेप हुआ, जो डॉक्टर बिटे के साथ रेप हुआ, उसके लिए आंदोलन तेज कर रहे हैं और ममता बनर्जी वाटर कैनन का इस्तेमाल करा रही हैं। वाटर कैनन, आपको बता दें, नबन्ना आंदोलन अब यहाँ हिंसक हो गया है। बता दें आपको, यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, बीजेपी भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मांग की है कि पॉलीग्राफी टेस्ट तो ममता बनर्जी और उनके पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की होनी चाहिए। कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे इतने दिनों से, क्या कर रही है पश्चिम बंगाल पुलिस। दर्शकों, एक बात और आपको बता दें, अब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की पूरी जांच ईडी के हाथ में है। सीबीआई के बाद अब ईडी के पास ये पूरा मामला चला गया है और अब ईडी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की, आपको बता दें कि यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ उस आंदोलन के तहत इस हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है और इसी के तहत ईडी इसकी पूरी जांच करेगी। बता दें आपको, ये अनियमितताओं को लेकर है, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी इसकी जांच करेगी। एक तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पॉलीग्राफी टेस्ट ममता का होना चाहिए, तानाशाही की पराकाष्ठा वो पार कर चुकी हैं। इसके साथ पश्चिम बंगाल में रियल तानाशाही दिखाई दे रही है। एक बात मैं और बता दूं, तीन चार सवाल अहम लोगों ने पूछे हैं। पहला सवाल, किसान आंदोलन को जो लोग कह रहे थे कि रोकना गलत है, वो क्या आज ममता बनर्जी जो पुलिस के द्वारा बच्चों को रोक रही हैं, स्टूडेंट्स हो, जनता हो, आम जनता हो, गरीब हो, अमीर हो, सब डॉक्टर बीटे के इंसाफ के लिए वहाँ कलकत्ता के रोड पर निकल चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सड़कों को वो जाम कर रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस के द्वारा कि हम डटेंगे, नहीं हटेंगे। सबसे पहले आपको गौरव भाटिया के पास ले चलते हैं, उन्होंने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले सुनिए कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी आदर्श आज महिलाओं के लिए हो गई है, ये तंज में मैं कह रही हूँ, उन्होंने किस तरीके से इसको बखान किया। पहले सुनिए गौरव भाटिया ने क्या तंज पश्चिम बंगाल के पूरे इस घटना पर किया है ममता बनर्जी के ऊपर। तो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमने देखा किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें, तो लुंगी वाहिनी जो घुसपैठी है, जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, चुप्पी साध देती है। और जहां हमारे डॉक्टर युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य, नबन्या अभियान जो है
वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन, जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। यह चिंताजनक है। और मैं इस प्रथम बिंदु में आज एक बात स्पष्ट कर दूं, तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी, आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को तार तार कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि पश्चिम बंगाल में जब जब ममता बनर्जी डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं, और पुलिस को आगे करना था अपराधियों के लिए, पुलिस को आगे करा जा रहा है कुचलने के लिए। एक संवैधानिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, जो चीख चीख के कह रहा है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, ये तानाशाह है, ये वो निर्ममता बनर्जी है जिसके राज में महिला सुरक्षित नहीं है। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है, जहां उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, स्टेट मशीनरी हैज फेल्ड। और किसी भी व्यक्ति जिसने संविधान पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, जब सारी संवैधानिक संस्थाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गवर्नर साहब, सब एक बात कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, एंड द फेलियर कैन बी एट्रिब्यूटेड टू ओनली वन पर्सन, एंड दैट वन पर्सन इज द एनार्किस्ट ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पहले कानून व्यवस्था को सुधारे, केंद्र की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को क्या करना है, यह हमें बखूबी पता है। जो तीन क्रिमिनल के कानून आए हैं, दीज आर गेम चेंजर्स, दे आर इंश्योरिंग स्पीडी जस्टिस, दे आर इंश्योरिंग अ डेटरेंस बाय इंश्योरिंग दैट देर इज imprisonment of the highest order, conviction and sentence which is serious in nature, even death sentence. Lekin Mamata Banerjee diversionary tactics ka istemal karti hain. Abhi unse sawal puche ja rahe hain. Ye patra Mamata Banerjee ne pehle nahi likha. Jab unke paas jo kade prashn janta puch rahi hai uska uttar nahi hai, tab wo ye sab nautanki kar rahi hain. Main phir keh dun, nautanki kar rahi hain. और नौटंकी करने का समय यह नहीं है, यह समय है कि एक मुख्यमंत्री को, जो कि एक महिला है, मां का दिल रख के उस परिवार के बारे में सोचें जिसने अपनी बेटी को खोया है। हर महिला की चिंता करें जो पश्चिम बंगाल में, जैसा गवर्नर कह रहे हैं,
असुरक्षित महसूस कर रही है। आपने सुना, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी घटना को दबाने की कोशिश में ममता बनर्जी ही आगे रही हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं, चार सवाल किए जा रहे हैं। डॉक्टर बिटिया के लिए ग्रेटा रिहाना और मियां खलीफा क्या आएंगी, और अब स्वरा भास्कर के भी क्या आवाज दब गई है? स्वरा के स्वर कहाँ गए? स्वरा भास्कर जो बीजेपी की धूर विरोधी बोली जाती रही है, बता रहे आपको यहाँ कहा जा रहा है किसान आंदोलन को रोकना, अगर यहाँ पर खालिस्तानी कहने पर लोग भड़क उठे थे, तो आज क्या डॉक्टर बिटिया के लिए जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो लोग यहाँ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कह रहे हैं, क्या उसके लिए आज विपक्षी पार्टियों के मुंह कुछ खुलेंगे? क्या विपक्षी पार्टियां इसको लेकर बयान देंगी? एक बात मैं आपको और बता दूं, तुरंत से इस घटना पर केवल एक की गिरफ्तारी क्या दिखाती है? गैंग रेप के सबूत मिले थे, हालांकि स्टार्टिंग में जब सीबीआई जांच कर रही, हालांकि दर परत यहां रात खुलते जा रहे हैं, सीबीआई इसमें गहनता से जांच कर रही है। बता रहे आपको दर्शकों, यहां कहा जा रहा है कि गैंग रेप नहीं है, तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन हम उस निष्कर्ष पर बिल्कुल कुछ कॉमेंट नहीं करेंगे जब तक ये जाँच पूरी ना हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, बीजेपी ने जोर आजमाइश की है और कह रही है बीजेपी की अगर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप सबसे पीछे वाली लाइन पर खड़ी रहेंगी, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में हिंसा बेकाबू हो जाएगी। बता रहे आपको, हिंसा इसीलिए, अगर अराजकता जहां बढ़ती है वहां ऑफकोर्स हिंसा बढ़ती है, और यही वजह है कि हम संदेश खाली की घटना के बाद महिला अत्याचार देखते नजर आ रहे हैं, और महिला अत्याचार आज एक सामने आया है। न जाने कितने पश्चिम बंगाल में बिटिया ऐसे ही रेप का शिकार होती हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसको पूरी छुपाने की कोशिश करती है। बता रहे आपको, नवन्ना मार्च में यहाँ पुलिस के द्वारा हावड़ा में भारी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, वाटर कैनन, आंसू गैस छोड़े गए। इसके साथ कहा जा रहा है कि इस तरीके से बॉर्डर्स को भी यहाँ पुलिस तैनात थी, 6,000 पुलिसकर्मी वहाँ पर हावड़ा के पास तैनात थी, जिससे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। तो बीजेपी के 3-4 सवाल बड़े अहम हैं, और इसी के तरह आपको बता दें कि यहाँ कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहना अपमानजनक था, बिटिया के लिए न्याय मांगना संघी मानसिकता है। तो संघी मानसिकता कौन कह रहा है? कुणाल घोष जैसे लोग कह रहे हैं। दर्शकों, ये जो सवाल है ना, ये टीएमसी के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर भी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पर टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के साथ इस केस में कांग्रेस पार्टी मिल गई है, राम और वाम का ये काम है। और ममता बनर्जी ने कहा है, मतलब शर्म नहीं आती है इस महिला मुख्यमंत्री को कि रेप के मामले में कहती हैं कि राम और वाम का काम है, मतलब लेफ्ट और बीजेपी। आपको लास्ट में मैं बताती चलूं, यहां कहा जा रहा है कि बिटिया के लिए न्याय मांगना संघी मानसिकता कैसे है, ये टीएमसी जवाब दे। कांग्रेस पार्टी को इसी वजह से जनता ताड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस रेप कांड पर अब तक ममता बनर्जी की खुले हाथों से आलोचना नहीं की। आपको मैंने पूरी खबर बता दी है, और ममता बनर्जी की पॉलीग्राफी टेस्ट होनी चाहिए, पुलिस आयुक्त विनीत गोयल पे होनी चाहिए, इनके पुलिस कर्मियों के बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है तेजी से। क्या आपको भी लगता है कि वाकई ममता बनर्जी अब कटघरे में खड़ी हो गई है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस केस के बाद, क्योंकि वो फेलियर साबित हुई हैं? कमेंट में यस या नो लिखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।